ये हमारे पायलट सर मिस्टर रहा दादे, और ये बैक साइड पे हमारे एवरेस्ट स्टार मिस्टर खगित सर। आपको लग के नहीं लग रहा, आपको कोई कुछ अलग वाला गाड़ी में ऐसा लग रहा है। और हम चल रहे हैं सेपा की ओर। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस जिप्सी से, ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, इसलिए हम लोग को उड़ा उड़ा के ले जा रहे। ये जितना अमुक चल रहा है उतना एक्सीलेटर भी दे रहा है। या में पिपू और चेंगताजो का तीन नाली में पहुंचा है। तो ईटानगर से हम लोग ये पिपू ब्लॉक में सर्वे के लिए आया है। तो यहाँ से चेंगताजो जाता है, यहाँ से पिपू जाता है बोला, लेकिन हम ये चेंगताजो रोड से होके जाएगा चंकू बस्ती से। आज चंकू में बीतेगा तो कल उधर से क्या होगा तो कल देखा जाएगा। थैंक यू। आवर जर्नी इज बिगिन। आगे मिलेगा ना। और ये है यहाँ का फर्स्ट बस्ती, पाठंग बस्ती। इसके बाद में हम मिलेंगे तावड़ी बस्ती। अभी गाड़ी कितना नंबर में जा रहे हैं? दो नंबर में। आराम से चलेगा ना? हाँ चलेगा। ये आज का चौथा गाड़ी, चौथा हाथी है, हाथी गाड़ी। इसलिए जिप्सी तो जिप्सी होता है ना, जिप्सी तो जिप्सी होता है, कोई इसको कमजोर नहीं दिखना है। कुछ बोलना है? नहीं, सिर्फ पकड़ के इसे हाल में होना है। ऐसे हालत में क्या होना है? ये हम पहुंच गए हैं बकर और लोटन के बीच में। एक भगवान है यहाँ पे ही जाता है और लोटो बस्ती जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग डिज़ाइन का, सफ़ेद वाला, रंग बिरंगे। हम जाते ही बटरफ्लाई इतना ज़्यादा उड़ने को लग गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वही बटरफ्लाई को देखने के लिए सब एक्साइटमेंट है। और वो तो वहाँ चले गए हैं वीडियो बनाने, फोटो खींचने, बटरफ्लाई।
आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी कितना साफ है, जबकि ये पानी बहुत ही ज़्यादा ही ठंडा है। यहाँ पहुँच गए हैं बकर बस्ती। यहाँ से हम लोग पीपू भी देख सकते हैं, वो साइड में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। और ये है हम लोग का पीपू के अंदर में बकर बस्ती। यहाँ पे ही यहाँ तक ही अभी रास्ता पहुँच पा रहे हैं। और ये हम जा रहे हैं वो स्कूल का एरिया में जहाँ पे ग्राउंड है, और इन फ्यूचर में हम कैंप भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से घर बनाया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये है फील्ड, स्कूल का फील है। और यहाँ से आप बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उस साइड पीपू साइड है, अभी आप जहाँ देख रहे हैं, और ये उस साइड है जहाँ से अभी अभी हम लोग आए थे, वहाँ से चदा बस्ती है। बहुत सारा लोग जो पीपू से आगे मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पर हमारे एवरेस्टर सर विजिट करके देख रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं कौन सा साइड से जाने से अच्छा रहेगा। एंड दिस इज़ द सम हाउस, घर है यहाँ पे जो बहुत सारा कुछ बना के रख सकते हैं। और ये बता रहे हैं हमारे गले सर ये कहाँ से पछी नदी और ये कहाँ से नदी है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मी बहुत है, लेकिन यहाँ में हवा बहुत अच्छा मारता है। तो ये हमारे गांव बकर बस्ती का गांव है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग से सब बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, देख सकते हैं। आप वो बैक साइड में देख सकते हैं जो रास्ता है, वो रास्ता जो है उस साइड से रास्ता है। अगर पहले हम लोग देखा था एक पीपू वाला जो रोड है, तो ये उसका मेन रास्ता है। तो ये वन साइडेड है, ये दूसरा पहाड़ है, ये भी अंदर पीपू सर्कल में ही आते हैं। तो यहाँ तक रास्ता नहीं है, तो हम लोग पैदल गया था जहाँ तक पैदल जा सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम रिटर्न जा रहे हैं, वो वहाँ पे जहाँ लेफ्ट साइड का वहाँ जो टीना है वहाँ पे हम लोग अभी भी विजिट किया था। सो ये हमारे बकर के लोकल है, और यहाँ पे हम लोग को सब्जी दे रहे हैं, और कुछ कोल भी खाने को दिया था, क्योंकि गांव में मिलना ये भी मुश्किल है। और आप देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे चाय बना के पिलाया है इस आने में, और ये लोग बाहर में पेप्सी पी रहे हैं, सब लोग पेप्सी का मज़ा ले रहे हैं। तो पेप्सी भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के तीन जगह है, तीन तरह से यहाँ पे रहते हैं, वन स्टेप टू स्टेप ऐसा करके। ये है बकर बस्ती, फर्स्ट टाइम सबसे आगे वाले में है। सो ये है बकर बस्ती। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा तीर बना के रखा हुआ है, वो आगे में एक बनाइए क्या है सर, ये क्या है, ये तीर बना के रखा है जो यहाँ पे छोटा मुर्गी को नहीं खाने के लिए, ये सब वगैरह वगैरह। और ये है आज के डिनर चिकन। तो बच्चों को यहाँ पे कुछ हमारे एवरेस्टर जो उसका जर्नी है उसको मोबाइल में दिखा रहे हैं, क्योंकि सुविधा नहीं है फिलहाल, तो लैपटॉप भी नहीं लाए हैं, तो बच्चों को मोबाइल में ही दिखा रहे हैं, और दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये अगला दिन है, तो सुबह में मॉर्निंग में बच्चों लोगों को कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। ये जो आर्यन लोग का आगू है, मतलब, और ये सबसे आसान वाला चीज है, आसान मींस वही हम लोग इसे घर को लेके घूम सकते हैं। टेंट जो वही है कि ये जो सोने के लिए जो एडवेंचर में यूज करते हैं ना, टेम्परेरी परमानेंट नहीं होता है। डेमोंस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन, बच्चों लोगों को दिखा रहा है कि टेंट कैसा लगाया जाता है और किस तरह से होता है। तो दे आर वेरी एक्साइटेड, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो उसका पूरा जो भी है उसको एक्टिविटी को अच्छी तरह से देखा है, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने ज़रूर वादा किया है कि अच्छी तरह से बाकी जो इक्विपमेंट है लेके आएंगे, क्योंकि ये इक्विपमेंट डेमोंस्ट्रेशन करने का नहीं था, बस यहाँ पर ये था कि भी सर्वे करने आया था, फिर भी उन्होंने बच्चों लोगों को दिखाया। ये है चांकू स्कूल,
आनंद घुसेगा लग रहा है अंदर। ये हम लोग RCRCC है रफीपुर ब्लॉक के सर नानो तान्यांग जो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बंगी भाषा में लोकल भाषा में। इसलिए मतलब हम लोग जितना भी एडवेंचर जो ये चीज यूज करता है ना एक्स्ट्रा मतलब जो कहीं में भी जाता है कोई भी जगह में लेके इमरजेंसी के लिए बुक के ले जाता है। मालूम है म्योंडी तलाब गुमियांग बो नी तो लोग म्योंडी व गुमियांग बो तलाब सकाम ने होला गने ला लाओ बंग तंग ने गुद ना कर तो गे पुर पुनो गे मसम गुमियांग गद ना कहीं कहीं में भी हम लोग लगा सकते हैं ऐसे कैम ना कहीं में भी कैम लोग अगलो लोग उत्तर दाने को माफियरम दाने को अपे ने हो मपातल ये मी दाने हो सब मपातल मालूम है ये गद ना कर और ये दो मगो दाना गो तन मनो ताउ तो और भी हम लोग एकदम लुंगे बात नाम बताओ ना जो देखा है बता। ये लोग नहीं देखा ये लोग देश को हॉस्टल वाला देखा है हॉस्टल का वो ये फे हम कहाँ बो अल्लाह फेरे अल्लाह और मानो को तो समझ तुम ना आई ये हम पची के दाखा दाखा कहाँ बो पम सम बदन फिर ताकत आ जाएगा मालूम है हमारे बहन सब ताकत आ जाएगा मामा ने फिर आता है वो मैं यकमी सब नहीं होगा यकमी मोड़े मेरे को डैक चेक मारी थी मानो इनका तो पुरी तो पाई फाइनली खत्म हो गया।